फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज प्री की क्लास में यानी कि पीटी की क्लास में आज है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास सभी के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में आज का सेक्शन है कौन, क्या, कहाँ, यानी कि फेमस पर्सनालिटीज जिनकी नियुक्तियाँ हुई। एक एंगल होता है ये एग्ज़ाम में पूछने का। दूसरा, संस्था और उसके अध्यक्ष कौन है। दूसरा एंगल होता है ये किसी भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछने के लिए। और तीसरा, जो सभी प्रमुख संस्थाओं के हेड के अलावा नई नियुक्तियां कौन सी हुई हैं। तो अब ये जो सेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो अब आप कितना इसमें याद कर सकते हैं। इसलिए मैंने सेलेक्टिव यहाँ पर आपके लिए वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। मैं सेलेक्टिव इसलिए कि पिछले एक साल में जो भी संस्था फेमस रही है उनके अध्यक्ष बता रही हूँ, जो भी नई नियुक्ति हो केवल उन्हें बता रही हूँ, और जो भी फेमस पर्सनालिटी पिछले एक साल में फेमस रही है उसको बता रही हूँ। तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप कोई भी प्री का एग्ज़ाम इस साल दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है अभी। तो इसका आंसर है शरद अरविंद बोबड़े। याद कर लीजिए, शरद अरविंद बोबड़े जो है ये चीफ जस्टिस हैं सर्वोच्च न्यायालय के। अब एक और क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं, ये 47वें चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद अगला, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी ये है के वेणुगोपाल। ये आपके लिए इस बार इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैं बता रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको तो आप अच्छे से रिमाइंड कर ही लीजिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। तो इसका कोड बना लीजिए कि पूरे देश को हरित करना हमारा मेन आदर्श वाक्य है अभी, तो इसीलिए इसके अध्यक्ष भी जो है वो कौन है, आदर्श है। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको कोड बना के याद कर लीजिए। इसके बाद है राज्यसभा के सभापति कौन है अभी, क्योंकि राज्यसभा इधर काफी चर्चा में रहा है इसलिए आपको उनका सभापति का नाम याद रहना चाहिए। तो एम वेंकैया नायडू है इसके सभापति। फिर लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ओम बिरला हैं। और ये कितने नंबर के अध्यक्ष हैं ये याद कर लीजिए, ये 17वें अध्यक्ष हैं ओम बिरला। इसके बाद महासचिव इस बार आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लोकसभा की जो महासचिव हैं वो पहली महिला हैं, इसलिए ये हो गया आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो लोकसभा की महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव, तो पहली महिला है जिसने लोकसभा में स्नेह फैला दिया, ये है कोड। तो लोकसभा में स्नेह फैलाया है स्नेहलता ने, इसलिए वो है लोकसभा की महासचिव। इसके बाद चलते हैं सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये है सुनील अरोड़ा, ये 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। चूंकि इलेक्शंस होने वाले हैं या पिछला इलेक्शन जो है ना 2019 वाला इलेक्शन वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी इस बार इम्पोर्टेंट है, सुनील अरोड़ा। अब चलते हैं कैग। कैग यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। कैग है राजीव महर्षि, ये है 13वें। तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक है महर्षि जी, ये जो है ना ये नियंत्रण करते हैं लेखन, महालेखा परीक्षक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कोड बना लीजिए कि मेन जो नियंत्रक होते हैं वो कौन होते हैं, महर्षि लोग होते हैं। इसके बाद इस बार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है विदेश सचिव को जानना क्योंकि इस बार इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ टॉपिक्स बहुत हाईलाइटेड रहे हैं, तो इसीलिए विदेश सचिव को याद कर लीजिए क्योंकि ये फेमस रहे, न्यूज़ में भी हमने देखा है। तो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला, ये 23वें विदेश सचिव हैं, हर्षवर्धन श्रृंखला। इसके बाद रक्षा सचिव भी इस बार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो रक्षा सचिव कौन है हमारे, ये है अजय कुमार, यानी रक्षा में हम लोग अजय हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता। तो इस 10 में से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आदर्श कुमार, हमारा आदर्श है हरा भरा करना, लोकसभा की महासचिव पहली महिला जिन्होंने स्नेह फैला दिया वो है स्नेहलता श्रीवास्तव। इसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है
विदेश सचिव हर्षवर्धन और रक्षा में हम लोग अजय हैं, तो रक्षा सचिव है अजय कुमार। ये चार इंपॉर्टेंट है, बाकी 10 अगर आप एक रीडिंग मार लीजिएगा तो आपको एग्जाम में ऑप्शन देके रिमाइंड हो ही जाएगा। अब आपको ये सारे वीडियो अगर आप सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चैनल के सब्सक्राइब बटन या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए, रोज की वीडियो अपडेट आपको मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो पूरी देखिएगा और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक और कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि क्या आप करंट अफेयर्स किसी एक सोर्स से पढ़ना चाहते हैं। अगर उस एक सोर्स को आपको जानना हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपसे वो सोर्स शेयर करूंगी। और अपने फ्रेंड से इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 11 नंबर से। 11 नंबर में सबसे पहले सशस्त्र सेना के प्रमुख को देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? ये है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। ये RKS भदौरिया जो है ये 26वें हैं वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ था जो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, उसी लिए इस बार वायुसेना अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है। फिर है नौसेना अध्यक्ष, ये हैं एडमिरल करमवीर सिंह। करमवीर सिंह जो है ये 24वें अध्यक्ष हैं। फिर आते हैं थल सेना अध्यक्ष, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो मनोज मुकुंद हैं, ये हैं थल सेना अध्यक्ष। तो जिसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है याद रखना इस बार भदौरिया जी को, भदौरिया वायु, ये कुछ कोड बना के आपको याद करना है। अब चलते हैं CBI। CBI क्यों इम्पोर्टेंट है ये तो आप लोग को अच्छे से पता होगा। तो CBI के अध्यक्ष कौन है? CBI के अध्यक्ष केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे कहा जाता है, इसके निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला। और ये आपके लिए इस बार इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे टाइम आप पिछले कुछ महीने से देख रहे होंगे CBI की चर्चा चल रही है, तो उनके निदेशक कौन है ये याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद है इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो IB के हैं अरविंद कुमार। फिर चलते हैं रॉ की तरफ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के हैं सामंत गोयल। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्पेशली जो मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ उसको तो आप नोट डाउन कर ही लीजिए। इसके बाद है NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ये हैं मोदी जी, लेकिन ये दूसरे मोदी जी हैं, ये मोदी जी हैं योगेंद्र चंद्र मोदी जी, और ये आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। फिर चलते हैं CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये आपके लिए इस बार इम्पोर्टेंट है, जिसके अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी। तो प्रकाश को कभी केंद्र में रिजर्व नहीं किया जा सकता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स आनंद प्रकाश महेश्वरी, ये है कोड। फिर चलते हैं NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, NSG के हैं अनूप कुमार सिंह, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में चलते हैं RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल, क्योंकि इस दौर में जो 2020 का दौर हमने जो फेस किया उसमें RPF की काफ़ी चर्चा रही, RPF के योगदान की, इसलिए इसके हेड की आपको हेड का नाम याद होना चाहिए, RPF के कौन महानिदेशक हैं, तो ये हैं अरुण कुमार। तो इस 10 में से आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन से हैं? वायुसेना अध्यक्ष भदौरिया जी, CBI जो है वो ऋषि हैं, CBI वाले ऋषि की तरह काम कर रहे हैं, मोदी जी जो है वो NIA के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के, प्रकाश को कभी सेंटर में नहीं रखा जा सकता, रिजर्व नहीं किया जा सकता, यानी CRPF आनंद प्रकाश, NSG के हैं अनूप कुमार और अरुण कुमार हैं RPF के। अब हम चलते हैं आगे, तो आगे है नीति आयोग। नीति आयोग के आगे मैंने 3 नाम लिखे हैं, मोदी, राजीव और कांत, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, इसके बाद उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO हैं अमिताभ कांत, और नीति आयोग है आपके लिए इम्पोर्टेंट। इसके बाद चलते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC। UPSC के अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना। फिर इम्पोर्टेंट है विधि आयोग, विधि आयोग जो है उसके अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह। विधि में बहुत बल होता है, यानी हमारे कानून में बहुत बल है, इसीलिए विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह। ये सिंपल सा कोड है, और ये कौन सा विधि आयोग है? 21वां। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट में रख लीजिए इस बार। इसके बाद है कर्मचारी चयन आयोग, इसके अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा। कर्मचारी चयन आयोग पर 2020 के समय में जो आपदा आई उसके बाद ब्रज गिर गया, यानी ब्रजराज, तो कर्मचारी चयन आयोग के हैं ब्रजराज शर्मा।
फिर आते हैं वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर हैं और ये है सातवां वेतन आयोग। फिर आते हैं वित्त आयोग, तो वित्त आयोग है 15 वित्त आयोग और इसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह। इसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं एच एल दत्तू, ये पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। फिर है रेलवे बोर्ड के कौन है निदेशक, तो वी के यादव है रेलवे बोर्ड के। और इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट है आपके लिए सीबीएफसी। अभी सीबीएफसी क्या है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, चूँकि पिछले कुछ महीनों से न्यूज़ में चल रहा है इसलिए आपके लिए सीबीएफसी इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, प्रसून जोशी। तो आपके लिए 5 इम्पोर्टेंट है इस वाले सीरीज में 10 क्वेश्चन में। एक तो नीति आयोग मोदी राजीव और कांत, महिला आयोग रेखा शर्मा, कर्मचारी चयन आयोग ब्रजराज शर्मा, मानवाधिकार आयोग एच एल दत्तू और सीबीएफसी प्रसून जोशी। अब आगे चलते हैं, तो चलिए अब आगे है ट्राई। मैं आपको अब इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि 100 फैक्ट्स एक बार कलेक्ट करके बता देते हैं, इससे क्या होता है सब कुछ मिक्स हो जाता है, मतलब एक झालमुड़ी बन जाता है। और हमें क्या करना है, सेलेक्टिव करंट अफेयर्स भी सेलेक्टिव तैयारी होती है, मैंने अपनी आप एक वीडियो के थ्रू आपको बताया हुआ है करंट अफेयर्स पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इस पे मैंने एक वीडियो पोस्ट की हुई जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और कितना कम पढ़ के भी आप करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ने से पूरा जीएस आपका तैयार हो जाता है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लिंक पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा और अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इसलिए मैं बहुत सेलेक्टिव बताती हूँ ताकि कम समय में आपकी प्रॉपर वे में और सही डायरेक्शन में तैयारी हो सके। तो चलिए आप करते हैं ट्राई। ट्राई इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ ट्राई के अध्यक्ष कौन है। तो ट्राई के अध्यक्ष हैं राम सेवक शर्मा। ट्राई का फुल फॉर्म है भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण। 2020 के टाइम में दूर संचार का कितना इस्तेमाल हुआ है आपको पता होगा, इसलिए ट्राई इस बार आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। फिर है UIDAI यानी आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष हैं पंकज कुमार। फिर है जनगणना आयुक्त, तो कौन है, भारत का महापंजीकरण जनगणना आयुक्त, क्योंकि 2021 में जनगणना होने वाली है तो इसलिए आपको पहले से ही जनगणना आयुक्त पता होना चाहिए, ये है विवेक जोशी। अब हमें 2021 में बिल्कुल जोश के साथ जनगणना में साथ देना चाहिए, ये हो गया इसका कोडवर्ड। इसके बाद अगला है आपके लिए इम्पोर्टेंट AAI। AAI क्या है, तो ये AAI जो है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैं आपको बताती हूँ। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, जब ये 2020 का टाइम शुरू हुआ और जो आपदा आई उसके बाद से भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण काफ़ी चर्चा में रहा विदेशों से यहाँ पर लोगों को लाने में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, तो इसके अध्यक्ष अरविंद सिंह। फिर UGC हमारा चर्चा में रहा यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो धीरेंद्र पाल सिंह है UGC के अध्यक्ष। और चूंकि नई शिक्षा नीति आई है इसलिए NCERT आपके लिए इम्पोर्टेंट है, NCERT के अध्यक्ष हैं ऋषिकेश सेनापति। फिर है CBSE अनीता करवाल। फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट है ISRO, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बस आप नाम याद कर लीजिए, KSIVAM। इस बार ISRO बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहा, हाँ चर्चा में रहा DRDO, तो DRDO के हैं सतीश रेड्डी। DRDO का फुल फॉर्म क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, तो रक्षा के लिए हमेशा से रेडी रहना चाहिए, DRDO का ये कोड हो गया। ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, मन्नू साहनी। और RBI के अध्यक्ष हैं शशिकांत दास। तो इसमें आपके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट निकल गए, ट्राई राम सेवक, जनगणना आयुक्त विवेक जोशी, AAI अरविंद सिंह, UGC धीरेंद्र पाल सिंह, NCERT ऋषिकेश, DRDO सतीश रेड्डी, ICC मनु साहनी और RBI के शशिकांत दास। अब जो आखिरी के 10 क्वेश्चन है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं इस 10 में से आपको 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके बता रही हूँ जिसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये 5 नाम इस बार के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन है ये, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियों में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है इंदु मल्होत्रा, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील जो सुप्रीम कोर्ट में जज बन गई, इसलिए हो गया आपके लिए इम्पोर्टेंट। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हैं इसलिए इम्पोर्टेंट और पहली महिला वकील हैं जो कि जज बन गई, तो ये याद कर लीजिए इंदु मल्होत्रा। दूसरी है ज्योति शर्मा, सेना की पहली महिला जज बनी है ये ज्योति शर्मा।
इसके बाद है हिना जायसवाल, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल। फिर है भावना कंठ, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है भावना कंठ। और इसके बाद इम्पोर्टेंट है आपके लिए गौरी सावंत दूत, जो कि देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत है। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आपके लिए नाम याद रख लीजिए बस, ये है चंद्राणी मुर्मू। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सबसे युवा सांसद है, तो ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब अभी तक आपने ये वीडियो देखा तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं लगी, सेलेक्टिव लगी कि नहीं लगी, और आपको काम के लायक लगी कि नहीं लगी, आपके एग्जाम के लिए ये यूजफुल है या नहीं। दूसरा, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने प्रश्न अपने डाउट्स मुझसे ज़रूर शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि रोज की क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अपडेट आपको मिल जाए।